हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को दूध के मलाई का घी और पनीर दो चीज़ बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। घी जो है बहुत ही अच्छा बनता है और बिल्कुल देसी घी, घर का घी रहेगा, और साथ में हम घी के साथ साथ हम साथ में बिल्कुल सॉफ्ट सा पनीर भी बना करके एक ही मलाई से तैयार करेंगे। इसका मतलब है कि एक मलाई रहेगा और उससे हम दो चीज़ पनीर और घी दोनों एक साथ झटपट बहुत कम समय में और बहुत ही घर का देसी बना के तैयार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 15 दिन का मलाई इकट्ठा किया है जिसको कि मैंने डीप फ्रीज़र में रखा है। डेली का मलाई निकाल करके डीप फ्रीज़र में इसको रखते गए तो इस तरह से 15 दिन में इतना मलाई जमा हो गया है। ये एक दिन का 2 लीटर का मलाई है तो इस हिसाब से ये 15 दिन का मलाई है, और इसको मैंने डीप फ्रीज़र से बाहर निकाल दिया है। 3 से 4 घंटे में इसको हम बाहर रहने देंगे। और देखिए, यहाँ पानी नीचे अलग और मलाई ऊपर हो गया है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पे अब इसको हम फेंटेंगे। फेंटने के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे। मिक्सर जार में हम इसको डालेंगे। और एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ये रूम टेम्परेचर पे मलाई नहीं आना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे अगर मलाई आएगा तो उसे मक्खन अच्छे से नहीं निकल पाएगा, मक्खन और दूध अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएगा। इस कारण से हम इसमें इसको थोड़ा चिल्ड ही रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब आप मिक्सी की तरफ देखिए, मिक्सी में एक तरफ विप का ऑप्शन है और एक तरफ लो, मीडियम और हाई का ऑप्शन है, तो हम विप की तरफ मिक्सर को घुमाएंगे। तो इसमें हम पानी डाल दिए हैं और इसको हम विप करेंगे। बिल्कुल 1 मिनट तक हमको इसको विप करना है जिससे कि मलाई से जो मक्खन अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। 1 मिनट तक हम इसको विप करेंगे। अब विप हो गया है। अब आप यहाँ आप देख रहे हैं कि मलाई से जो मक्खन अलग हो गया है और दूध अलग हो गया है। और एक बात का और आप ध्यान दें फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग मलाई में दही डाल देते हैं, पर इसमें मैं दही नहीं डाल रही हूँ। दही डालने से वो छाछ हो जाएगा, तो हमको इसको दूध ही रखना है। इसके लिए हम यहाँ पर मलाई में दही नहीं डालेंगे। इसका हम एक तरफ दूध अलग कर लेंगे और मक्खन अलग कर लेंगे। मक्खन को पूरा हमको अलग कर लेना है, दूध को पूरा अलग कर लेना है, जिससे कि मलाई घी जो है वो जल्दी बनेगा। ये मलाई बन करके तैयार है, मलाई से मक्खन निकल गया है। अब सारे मक्खन को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। सारे मलाई से मक्खन को हम इसी तरह से मिक्सी में जार में फेंटते हुए और निकाल लेंगे। थोड़ा ही थोड़ा करके डालना है फ्रेंड्स, ज़्यादा ऊपर तक जार में नहीं भरना है। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत सारे लोग ऊपर तक भर देंगे तो वो जो हम इसमें पानी डालेंगे तो ओवरफ्लो हो करके ये आपके बॉडी पे पड़ेगा, छींटा देगा। इस कारण से हम इसको थोड़ा कम ही रखेंगे। अब हम इसको विप फिर से कर लेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं मलाई अलग हो, मलाई से मक्खन अलग हो गया है, दूध अलग हो गया है। दूध को हम एक अलग बर्तन में निकालेंगे और मक्खन को हम एक अलग बर्तन में सेपरेट करेंगे। अब इसी तरह से पूरा मलाई से मक्खन को हम निकाल के तैयार कर ले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो मक्खन है वो पूरा निकल गया है और ये ज़्यादा अमाउंट में है, और यहाँ दूध भी इससे अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो पहले हम घी बना लेते हैं। तो घी बनाने के लिए मैंने बड़ा बर्तन यूज़ किया है क्योंकि घी क्या होता है कि जब ये बॉयल आएगा तो इस ये ऊपर तक थोड़ा सा खोलने लगता है, जिससे कि छोटा बर्तन अगर आप दीजिएगा तो उसमें ओवरफ्लो होने का डर रहता है, घी नीचे गिर जाएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ा बर्तन लिया है। फुल फ्लेम पर हम इसको बिल्कुल बॉयल आने देंगे, और बॉयल आने के बाद भी हम इसको अच्छे से पूरा जब घी बनने तक हम इसको बॉयल करेंगे, और इसको हम एक एक दो दो मिनट पर चलाते रहेंगे साइड साइड का छुड़ाते हुए, साइड साइड से जो घी है वो उसको निकालते हुए, नहीं तो वो जल जाएगा। इसी तरह से हम इसको चलाते हुए, और यहाँ कुछ देर के बाद देखिए आप, यहाँ इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है। इसमें से अब घी छोड़ना स्टार्ट हो गया है। इसको फुल फ्लेम पर ही हम रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। चलाने से क्या होगा, नीचे चिपकेगा नहीं, और घी में जो है एक अच्छा सा नेचुरल फ्लेवर रहेगा, नहीं तो घी जला जला सा स्मेल देगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि घी कितने अच्छे से निकल गया है, पूरा घी अलग हो गया है, और इसका जो नीचे का ये अलग से पूरा घी जो है वो बन करके अब लगभग तैयार है। अब हम इसके इसमें जो वाइट वाइट छेना जैसा दिख रहा है, इसको हम अभी और थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, तभी हमारा घी बन के तैयार होगा और ज़्यादा दिन तक टिकेगा। अगर ऐसा ही पे अगर हम घी छोड़ देंगे तो वो हमारा घी जो होगा वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए हमको इसके इसको हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है। तो इस स्टेज पे अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा घी जो है वो बिल्कुल अच्छा और अच्छा कलर भी देगा और सौंधा सौंधा लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो घी है इसको मैंने ठंडा कर लिया है, और ये जो घी है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। इसको हम
किसी छन्नी में अच्छे से छान लेंगे। घी का कलर देखिए आप कितना अच्छा परफेक्ट है, ये लाइट गोल्डन ब्राउन अगर आप छोड़िएगा तो इस तरह का ये डार्क गोल्डन ब्राउन होकर के ये निकलेगा, अगर आप इस तरह से छोड़िएगा तो वो बिल्कुल काला बन करके निकलेगा आपका घी। अगर घी में परफेक्ट कलर आप चाहते हैं तो इसको लाइट गोल्डन ब्राउन ही छोड़ें। अब लास्ट में हम इसको भी हल्का सा प्रेस करते हुए इसमें से भी घी निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा घी रहता है, इसको हम प्रेस करेंगे जब तक तब तक कि इसमें से घी निकलना बंद ना हो जाए। ये देख रहे हैं आप नीचे में घी निकल रहा है, तो इसी तरह से करते हुए हम पूरा घी बना करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ हम दूध पे आएंगे, दूध को हम यहाँ पे ये जो मैंने मलाई अलग की, मलाई से मैंने दूध और मक्खन अलग किया है, तो मक्खन से तो मैंने घी निकाल लिया, अब यहाँ दूध को बॉयल होने के लिए डालेंगे फुल फ्लेम पे, और जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। मेरा तो यहाँ पे पनीर निकल के तैयार है, लेकिन अगर आपका पनीर नहीं निकलता है तो आप इसमें सिरका डाल दें या फिर नींबू का रस डालें, और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इकट्ठा करना है। जो पनीर है यहाँ आप देख रहे हैं कितना ईजिली निकला हुआ है, अब हम इससे पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रेनर लेंगे, इसमें हम यहाँ पे पनीर को पूरा डाल देंगे, पानी अलग हो जाएगा और पनीर जो है वो कपड़े में आ जाएगा। अब कपड़े को हम इस तरह से टैप करते हुए और पूरा इकट्ठा करके निकाल लेंगे, और इस पानी को हम फेंक देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा रनिंग वाटर में आप इसको धोएं, या फिर इस तरह से थोड़ा सा ठंडा पानी में हम इसको धो लेंगे, जिससे कि इसमें जो हम विनीगर डाले हैं उसका जो विनीगर का खट्टापन होता है, टेस्ट जो होता है, वो इसमें से निकल जाए और हमारा जो पनीर है वो अच्छा सा बिल्कुल अच्छा सा जमकर तैयार हो जाए। अब इसमें हम इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे और गोल 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 कपड़े को घुमाएंगे। गोल 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 घुमाने से क्या होगा कि पनीर जो है वो हमारा सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से इसका हम पानी निचोड़ लेंगे, जितना तक यहाँ पे पानी निकलना बंद नहीं हो जाता उतना तक हम पानी को निचोड़ेंगे। अब हम इसको जमाने के लिए कोई ऊंचा प्लेट रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से गोल घुमाते हुए पनीर को रख देंगे। इसके ऊपर हम एक प्लेट डाल देंगे, या फिर आप कोई उड का आपके पास कोई बर्तन कुछ हो तो वो डाल देंगे, और इस पे मैंने यहाँ पे 2 kg के इतना पानी करके एक बर्तन में डाल दिया है, जिस और इसको हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए और बिल्कुल एक समान इसमें फोर्स मिलना चाहिए जिससे कि पनीर अच्छे से जमेगा। तो हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल इसमें बैलेंस बनाते हुए मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल प्रेस करने के लिए रख दिया है, जिससे कि हमारा जो है वो पनीर बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ आप देखिए आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा के लिए हम इसको छोड़ेंगे, आधा घंटा हो गया है और ये जो मलाई से घी भी बन के तैयार है, और यहाँ आप देख रहे हैं ये पनीर भी बिल्कुल बन करके तैयार है। इसको काट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि पनीर कैसा बना है। तो यहाँ देखिए पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट सा और बिल्कुल स्पंजी बना है। तो इस तरह से मैंने घी और पनीर एक ही मलाई से बना करके तैयार किया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इस ट्रिक को ट्राई करें, जिससे कि आप एक मलाई से दो दो चीज़ आसानी से निकाल पाएँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही मुझे YouTube पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और Facebook पे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।